हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज हम दोस्तों रियलमी 5S के बारे में दोस्तों बात करेंगे। सो रियलमी 5S दोस्तों नवंबर में दोस्तों ये जो फ़ोन है वो लीक हो चुका है और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दोस्तों बाहर आ चुके हैं। हालांकि दोस्तों ये रियलमी की तरफ से अभी तक कन्फर्म नहीं है कि रियलमी 5S आने वाला है या नहीं है, बट दोस्तों थाईलैंड में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन कमीशन है दोस्तों, वहाँ पर जो ये फ़ोन है वो दोस्तों स्पॉट किया गया है और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि रियलमी 5S दोस्तों इंडिया में जल्द ही आने वाला है। तो रियलमी 5S इसके नाम से दोस्तों हमें पता चलता है कि ये रियलमी 5 और रियलमी 5 प्रो के बीच का स्मार्टफोन होने वाला है, जहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बैलेंस स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे। या तो दोस्तों ये रियलमी 5 का जो है वो स्मॉलर वर्जन होगा, जहाँ पर दोस्तों आपको थोड़े कम स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे रियलमी 5 के कंपैरिजन में। और दोस्तों अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये लगभग Realme X और Realme XT Pro जो कि 730G के साथ आने वाला है दोस्तों, उसके साथ ये लॉन्च हो सकता है दिसंबर में, जो कि अगले महीने में दोस्तों Realme लॉन्च करने वाला है। तो Realme ने दोस्तों हाल ही फिलहाल में दोस्तों काफ़ी सारे जो है स्मार्टफोन जो है मार्केट में दोस्तों लॉन्च कर दिए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं अलग अलग प्राइस रेंज में। आपको जो कैटेगरी दोस्तों पसंद है उस कैटेगरी में दोस्तों आप जो है वो ये डिवाइसेस परचेस कर सकते हैं। तो Realme 5S दोस्तों एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर दोस्तों आपको बजट स्मार्टफोन मिलेगा अंडर 10,000। सो गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों मैंने एक वेबसाइट की लिंक दी है नीचे, जो कि हमारी खुद की वेबसाइट है दोस्तों, वहां पर आपको सभी आर्टिकल्स मिल जाएंगे अपकमिंग फोन्स के बारे में और दोस्तों आप डिटेल में भी जान सकते हैं। और वहां पे दोस्तों आपको जो वो फोन्स अगर बाय करने होंगे तो वहां पर दोस्तों आपको जो वो लिंक्स भी मिल जाएगी, आप डायरेक्टली वहां से जा सकते हैं, वो भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की प्राइस कंपेयर करके। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां पर दोस्तों एक बार जाके जरूर देखें। तो चलिए गाइस इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ एक नज़र दौड़ा लेते हैं। सो गाइस इसके जो स्क्रीन साइज होने वाला है वो 6.5 इंचेस का आपको इसमें IPS LCD पैनल मिलेगा। आगे दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, बट फिर भी दोस्तों अंडर 10,000 आता है तो डेफिनेटली मैं इसको रेफर करूँगा और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं, या तो कोई और दूसरा फ़ोन जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 मिलता है। बट अगर आपको ये दोस्तों सेम प्रोसेसर अगर 10,000 के अबाव मिलता है तो आप इसे बिल्कुल ही परचेस ना करें। साथ ही में दोस्तों अगर मैं इसके कैमरा सेटअप की बात करूं तो यहां पर दोस्तों आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 16+2 मेगापिक्सल का सेटअप होने वाला है बैक में, और फ्रंट में दोस्तों आपको 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो डेफिनेटली काफी कमाल का होगा और आपको जो है वो काफी बढ़िया सेल्फीज भी प्रोवाइड करेगा। अभी दोस्तों आगे बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो ये इसका USP होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, तो अप्रोक्सीमेटली आप 2 दिन तक दोस्तों इसको आराम से चला सकते हैं। रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको बेस वेरियंट जो होगा वहां पर आपको 3GB की रैम मिलेगी और साथ में जो है वो 32GB की स्टोरेज मिलेगी, जो कि बेसिक लेवल की होती है। प्राइस भी दोस्तों काफी कम होने वाला है, जो कि अंडर 10,000 होगा। अगर रियलमी 5 10,000 का है तो दोस्तों ये लगभग 8,000 तक आ सकता है, बट इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है कि ये 10,000 में ही आ सकता है या तो 1,000, इसके दोस्तों जो है वो आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। बट ओवरऑल काफी अच्छा स्मार्टफोन होगा, जो कि रियलमी के कलर OS 6 वर्जन के साथ आने वाला है, साथ में दोस्तों एक एंड्रॉयड डिवाइस होगा, तो डेफिनेटली काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो देखते हैं कि आगे इसमें रियलमी दोस्तों और कौन से चेंजेस करवा के लेके आता है। तो ये था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।